हैं फेसबुक पर और जूम पर। तो हु इज दुर्गा? अभी आज के दिन लोगों ने विजयदशमी सेलिब्रेट किया, दशहरा, और कल तक नवरात्रे चल रहे थे। 9 दिन तक दुर्गा देवी की उपासना हुई, बहुत सारे लोगों ने उपासना की। तो हमें शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों के आधार पर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि दुर्गा देवी हैं कौन और उनकी उपासना किस प्रकार करनी चाहिए, किस प्रकार नहीं करनी चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बात समझना हम सब के लिए। तो दुर्गा देवी के बारे में जानने से पहले हम एक ये बात जानना का प्रयास करेंगे कि कोई भी व्यक्ति किसी भी देवता की उपासना करता है तो उसको सही तरीके से और गलत तरीके से दोनों तरीकों से किया जा सकता है, या फिर कोई किसी प्रकार का भी उपासना करता है तो उसमें सही तरीका गलत तरीका दोनों होता है ना। ऐसा नहीं कि कार्य कर रहे हैं तो सही ही होगा, उसको सही तरीके से करेंगे तब जाकर वो सही होगा। भगवान श्री कृष्ण गीता में अनेक प्रकार के उपासकों का वर्णन करते हैं। अगर हम उसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करना चाहें तो 5 प्रकार के वर्शिपर्स या उपासकों का वर्णन भगवद गीता में आता है। उनमें से एक कैटेगरी है वो उपासक जो देवताओं की उपासना करते हैं, डेमिगॉड वर्शिपर्स। तो उनके विषय में श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि एक प्रकार से ये लोग जो उपासना करते हैं वो अविधिपूर्वकम करते हैं। अविधिपूर्वकम अर्थात इम्प्रॉपरली, पूरी तरह से सही नहीं, परंतु किसी न किसी प्रकार जो करते हैं वो कर देते हैं, लेकिन वो शास्त्रों के अनुसार पूरी तरह से उचित नहीं, ऐसा श्री कृष्ण का मत है। श्री कृष्ण ऐसा क्यों कहते हैं वो सेशन आप पूरा अटेंड करोगे तो समझ जाओगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के इस मत को समझने के लिए एक छोटी सी आपको कहानी बताएंगे। आपने एक कहानी अवश्य पहले सुनी होगी कि एक बार एक बहुत ही धनी राजा था। इस कहानी को अलग अलग तरीकों से प्रस्तुत किया जाता है, कभी अकबर बीरबल की कहानी बताई जाती है, कभी किसी और से। तो एक बार एक बहुत धनी राजा था और उसके नगर में एक योगी रहता था। तो लोगों ने कहा ये योगी बहुत ही ज़्यादा सिद्ध है, इसके पास में अनेक शक्तियाँ हैं। तो ये राजा को इच्छा हुई कि उस योगी से मिले, है ना, और योगी से जानना चाहे कि तुम में क्या विशेष है जो लोग तुम्हारी बड़ाई कर रहे हैं। तो योगी कहता है कि देखो, मैंने बहुत तप किया, योग साधन किया, अब मैं चाहूँ तो पानी के आश्रय में, किसी जलाशय में जिसमें बहुत ज़्यादा ठंडा पानी होता है, वहाँ पर मैं पूरी रात रह सकता हूँ और फिर भी मुझे ठंड नहीं लगेगी। मैं पूरी रात एक ठंडे जल के जलाशय में रह सकता हूँ और पूरी रात इस प्रकार काट सकता हूँ। तो ये एक अनोखी बात है। राजा ने सोचा, हाँ ठंडा का मौसम है, व्यक्ति तो मर जाएगा, लेकिन ये ऐसा कह रहा है तो ठीक है, प्रयास कीजिए, अगर आप ऐसा कर देते हो तो मैं आपको बहुत बड़ा इनाम दूंगा। योगी कहता, कोई बात नहीं, आप कल देख लीजिएगा। तो राजा ने बहुत सारे पहरेदार वहाँ पर लगा दिए और योगी उस जलाशय में प्रवेश करता है, पूरी रात वहाँ पर उसमें अंदर रहता है और फिर अगले दिन जब सुबह हो जाती है, धूप निकल आती है, तब राजा के पास मिलने आता है। राजा ने पहले ही अपने गुप्तचरों से जान लिया था कि योगी वहाँ पर था, उसने सफलतापूर्वक ये कार्य कर लिया। तो राजा को लगता है कि देखो, अब ये मुझसे धन मांगेगा, मुझे धन देना पड़ेगा, मैं देना नहीं चाहता, किसी प्रकार मुझे इससे बचना है। तो राजा अपने बहुत ही बुद्धिमान मंत्री से पूछता है कि क्या करना चाहिए। वो मंत्री राजा का हित नहीं चाहता था, वो बस राजा को मस्का मारना चाहता था। राजा जो कहता था उसी को सही कह देता था, चाहे वो उचित हो ना हो। तो वो मंत्री कहता है, देखो महाराज, बहुत सरल सी बात है, हम ऐसा कुछ कह देते हैं, झूठ बना देते हैं कि वो योगी फंस जाएगा और ये साबित हो जाएगा कि उसने ऐसा नहीं किया। राजा कहता, क्या? तो वो मंत्री सोचता है और कहते, देखो, जैसे गुप्तचर गए थे वो बता रहे थे कि ये योगी जहाँ पर बैठा हुआ था, स्नान के अंदर, सॉरी, जलाशय में प्रवेश किया हुआ था, ये वहाँ पर क्या कहते हैं, जहाँ पर वो था उसे थोड़ा सा दूर एक मंदिर है,
उस मंदिर में एक दिया दीप जल रहा था। तो ये योगी उस दीप की गर्माहट को लेकर अपने शरीर को गर्म रख रहा था, इस कारण से उसे ठंड नहीं लगी और वो रात भर उस जलाशय में रह पाया। तो राजा कहता ठीक है यही कह देंगे। तो योगी आया, उसके सामने राजा ने ऐसा कह दिया। योगी बेचारा परेशान दुखी हो गया कि आप ऐसी कैसे बात करते हो भाई, इतना दूर दीप है, छोटा सा दीप है, उसे छोटी सी रोशनी आती है, क्या उसका ताप होता है, मैं इतनी दूरी से उसका ताप कैसे लूंगा। राजा कहता है नहीं नहीं नहीं, हम तुमको इनाम नहीं दे सकते, तुमने धोखा दी। तो योगी दुखी होकर वहां से जाता है। तब उसे राजा के यहाँ एक और व्यक्ति मिलता है, मंत्री राजा का एक और उसके सामने अपना दुखड़ा सुनाता है। वो मंत्री राजा का हित चाहता है, बुद्धिमान है, राजा कुछ गलती करता है तो उसको सुधारता भी है। तो मंत्री सोचता है कि ठीक है चलो मैं इस राजा को एक सीख सिखाता हूँ, है ना। तो वो क्या करता है, ये आपने कहानी अवश्य सुनी होगी। एक दिन जब उस राजा को कहीं जाना होता है तो मंत्री को कहता है कि तैयार रहना, कल हमें सुबह सुबह निकलना है, देर मत करना, हमें बहुत दूर जाना है। तो मंत्री कहता है ठीक है महाराज, मैं बिल्कुल तैयार रहूँगा, आप आ जाइएगा। तो अगला दिन आ गया, उन दोनों को जाना था, राजा प्रतीक्षा करता है, वो मंत्री आता नहीं। तो राजा दूसरों को कहता है जाओ देखो तो सही वो क्या कर रहा है, अभी तक आया क्यों नहीं। जाते हैं देखने के लिए, लोग वापस आकर बोलते हैं महाराज वो तो खिचड़ी पका रहा है। तो राजा कहते खिचड़ी पका रहा है, इतनी सुबह से खिचड़ी पकाया जा रहा है, खिचड़ी अभी तक पकी नहीं। तो वो कहता है नहीं नहीं आप थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए, खिचड़ी बन जाएगी, वो आ जाएंगे। राजा कहते हैं ठीक है। बहुत देर बीत जाती, मंत्री नहीं आता। तो राजा फिर से लोग को भेजता है कि जाओ देखो भाई क्या हो रहा है। तो वो कहते हैं महाराज अभी भी खिचड़ी बन रही है। तो महाराज सोचते हैं कि सुबह से खिचड़ी बनी क्यों नहीं। वो जब वहाँ पर आते हैं वो तो क्या देखते हैं कि उस मंत्री ने नीचे आग जला रखी है और ऊंचे पेड़ की डाल पर खिचड़ी पकाने का जो हांडी है उसको लटकाया हुआ है। तो राजा कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो मंत्री। वो कहते हैं राजा दिखता नहीं आपको, खिचड़ी पका रहा हूँ। राजा कहता है ऐसे खिचड़ी पकेगी क्या, यहाँ अग्नि इतने नीचे, खिचड़ी का हांडी इतना ऊपर, कैसे वो पक पाएगी। तो मंत्री कहता है क्यों नहीं पक पाएगी महाराज, जब एक व्यक्ति किसी ठंडे जल के आश्रय में डूबा रह कर रातों भर दूर एक दीप से, छोटे से दीप से गर्माहट ले सकता है, तो ये खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती। राजा समझ जाता है कि मंत्री क्या कहना चाहता था, तो अपनी गलती को जान लेता है, उस योगी को दोबारा बुलाता है और क्या करता है, उसे जो इनाम देना था उचित इनाम दे देता है। यहाँ पर इस छोटी सी कहानी से हमें क्या सीख मिलती, ये सीख मिलती है कि कोई भी कार्य को सही तरीके से करने से ही परिणाम मिल सकता है। खिचड़ी पकाना है तो अग्नि को उस हांडी के करीब होना पड़ेगा, गर्माहट उस तक पहुंचनी होगी, ताप पहुंचना होगा तभी खिचड़ी पक पाएगी। आप ऊपर हांडी रख दोगे तो खिचड़ी नहीं पकेगी। वैसे ही हम उपासना करें, भक्ति करें, जप करें, तप करें, दान यज्ञ कुछ भी करें, उसको करने की एक विधि है, सही तरीके से नहीं करेंगे तो हमें वो सही परिणाम नहीं देगा। श्री कृष्ण गीता में 16 चैप्टर के 23वें श्लोक में कहते हैं यह शास्त्र विधिं उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। कोई व्यक्ति शास्त्र विधि का पालन नहीं करता और कैसे कार्य करता है, जैसे उसके मन में इच्छा आती है वैसे कार्य करता है, वैसा व्यक्ति के साथ में क्या होता है, तीन चीजें उसे नहीं मिल पाती। वो तीन चीजें क्या है, न सिद्धिम, उसे सिद्धि नहीं मिलती, अर्थात अपने कार्य में उसे सफलता नहीं मिलती। अब उसको सफलता नहीं मिलेगी तो क्या होगा, न सुखम, उसे सुख भी नहीं मिलेगा। और उसने कोई आध्यात्मिक कार्य किया, सफलता नहीं मिली, सुख भी नहीं मिला, तो कैसे संभव है कि उसने सही नहीं किया तो उसे परम गति अर्थात आध्यात्मिक लाभ मिल जाएगा, वो भी संभव नहीं है। तो कृष्ण कहते हैं जो भी करो शास्त्र की जो विधियां हैं उसके अनुसार करो, उचित तरीके से करो, तब परिणाम सही मिलेगा। तो चाहे हम देवी की उपासना करें, शिव जी की उपासना करें, गणेश चतुर्थी में गणेश जी की उपासना करें, कुछ भी करें, हमें शास्त्रों के विधियों के अनुसार ही करना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो हमें जैसा वांछित परिणाम है, उचित परिणाम है, वो प्रदान नहीं करेगा।
इतना कहने के बाद अब हम आपको इस सेशन में ये बताना चाहेंगे कि दुर्गा देवी कौन है फर्स्ट, उसके बाद में अंत में बताना चाहेंगे कि दुर्गा देवी की उपासना अक्सर लोग क्यों करते हैं, फिर किस प्रकार से उनकी उपासना नहीं करनी चाहिए, और चौथा किस प्रकार उनकी उपासना करनी चाहिए। नवरात्रे शुरू होने से पहले मैं ये सेशन लेना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा कि समय भी नहीं है, स्थान भी उचित नहीं था, तो कल जब नवरात्रे पूरे हो गए कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि अब बताइए। मैंने कहा बहुत बड़ी बात है, तो नवरात्रे चले गए आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो नहीं कोई बात नहीं, अभी भी माहौल बना हुआ है, लोग जानना चाहेंगे, तो हमने सोचा ठीक है इसको आज के सेशन में बताया जाए। तो पहले पहले जैसा हमने कहा दुर्गा देवी कौन है ये हमको जानना है। भगवान श्री कृष्ण जो परमेश्वर हैं, परम सत्य हैं, उनकी अनेक शक्तियाँ हैं, वो पूर्ण शक्तिमान हैं, पुरुष हैं, पुरुष होने का अर्थ है कि उनमें शक्तियाँ हैं, तो वो शक्तियों में से, अनेक शक्तियों में से एक शक्ति है दुर्गा देवी की शक्ति। श्वेता श्वतर उपनिषद में ये श्लोक आता है, परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते, परस्य शक्तिर विविधैव, अनेक प्रकार की विविध प्रकार की शक्तियां हैं भगवान की, और उनमें से एक शक्ति है दुर्गा शक्ति, एक प्रकार की शक्ति। तो दुर्गा भगवान की शक्ति है, भगवान शक्तिमान है, दुर्गा शक्ति है, भगवान पुरुष हैं, दुर्गा प्रकृति है। एक प्रकार से ऐसा समझा जा सकता है भगवान पुरुष हैं मतलब मेल हैं, और दुर्गा प्रकृति अर्थात फीमेल है। भगवान कंट्रोल करते हैं, दुर्गा देवी का नियंत्रण कंट्रोल भगवान के द्वारा होता है। तो ये इस दुर्गा शक्ति को वैदिक ग्रंथों में अलग अलग शब्दों से संबोधित किया जाता है। इस शक्ति को बहिरंगा शक्ति भी कहते हैं, इसी शक्ति को भौतिक शक्ति भी कहते हैं, और इसी शक्ति को भिन्न शक्ति भी कहते हैं। कहाँ पर इसका वर्णन आया है? गीता के 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में आया है, हम ये श्लोक आगे जाकर देखेंगे। भिन्न अर्थात वो शक्ति जो भगवान से भिन्न है, भगवान से अलग हो सकती है या अलग कार्य कर सकती है। मैं इस विषय को थोड़ा सा गहराई से समझाना चाहूंगा। जैसे कि आप कभी भी कोई सीताराम मंदिर में गए होंगे, राधा कृष्ण मंदिर में गए होंगे, लक्ष्मी नारायण मंदिर में गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि भगवान राम है, सीता है, माता सीता है, लक्ष्मी है, नारायण है, राधा है, कृष्ण है। ऐसा संसार में शायद ही कोई मंदिर मिलेगा जिसमें सीता महारानी का विग्रह अकेला हो और श्री राम वहां पर ना हो। ऐसा भी मंदिर बहुत कम मिलता है जहां पर लक्ष्मी देवी है परंतु नारायण नहीं है, और ऐसा मंदिर बहुत कम मिलता है जहां पर राधा रानी है परंतु कृष्ण नहीं है। जहां पर भी राधा रानी होगी वहां कृष्ण होंगे, सीता माता होगी राम होंगे, लक्ष्मी होगी नारायण होंगे। क्यों? क्योंकि वो भगवान की अंतरंग शक्तियां हैं, तो वो भगवान से अलग नहीं हो सकती हैं, भिन्न नहीं हो सकती। परंतु भगवान की जो माया शक्ति है, भौतिक शक्ति, दुर्गा देवी शक्ति, वो भगवान से भिन्न हो सकती, अलग हो सकती है। इसलिए आप संसार में जितने भी मंदिर में गए होंगे, अक्सर आपने देखा होगा अगर वो देवी का मंदिर है तो दुर्गा देवी, काली देवी, चामुंडा देवी अर्थात जितनी भी देवियां हैं वो अकेली होती है। अक्सर दुर्गा देवी आपको अकेली मिलेंगी, काली देवी आपको अकेली मिलेंगी। क्यों? क्योंकि वो भगवान की भिन्न शक्ति है, सेपरेटेड एनर्जी है, भगवान से अलग। एक प्रकार से वो अलग नहीं है परंतु अलग उनका अनुभव हो सकता है, उसको भिन्न अनुभव कहते हैं। तो ये संभव है भगवान की अनेक शक्तियों में से वो एक शक्ति है। पहली बात हमने ये समझी। अब दूसरी बात, दुर्गा देवी के बारे में हमें ये जानना चाहिए कि जितने भी सृष्टि है भगवान की, उसमें आध्यात्मिक जगत ले लो, भौतिक जगत ले लो, उसको अलग अलग लेवल्स में डिवाइड किया गया है। तो जो भगवान का वैकुंठ जगत है उसको हरि धाम कहते हैं, क्योंकि वहां पर भगवान हरि का वास होता है। उसके नीचे और भौतिक जगत के ऊपर जो बॉर्डर एरिया है, ब्रह्म ज्योति वाला इलाका, उसे महेश धाम कहते हैं, क्योंकि वो शिव जी का या सदा शिव जी का धाम है, निवास स्थान है। और जो ये भौतिक संसार है इसे देवी धाम कहते हैं। देवी धाम अर्थात
ये स्थान है देवी का स्थान, ये प्रॉपर्टी है एक प्रकार से जिसका नियंत्रण होता है देवी के द्वारा। देवी को इस स्थान का इंचार्ज बना दिया है। है तो सब कुछ कृष्ण का ही, परम भगवान का, लेकिन उन्होंने उसको इंचार्ज की जिम्मेदारी देवी को सौंप दी है। इसलिए दुर्गा देवी इस देवी धाम की इष्ट देवी है ना, प्रिसाइडिंग देती है। हिंदी में उसको कहते हैं अष्टादित्री देवी, वहाँ पे वो निवास करती है, उसका कंट्रोल करती है सब कुछ, वहाँ पर जो चलता है उनके निर्देशन पे चलता है। अब आगे हम देखेंगे कि क्या दुर्गा देवी ये इंडिपेंडेंटली करती है, स्वतंत्र होकर करती है, या दुर्गा देवी के ऊपर भी कोई है या नहीं है। तो पहली बात, दुर्गा देवी स्थान पर कंट्रोलर है, नियंत्रण करती है, और दुर्गा देवी सबकी माँ है, इसलिए उनको जगद अम्बा भी कहते हैं, अम्बा कहते हैं, माता रानी कहते हैं, देवी कहते हैं। तो जगद अम्बा का अर्थ है जो पूरे जगत की माँ हो। ये शब्द या ये संबोधन दुर्गा देवी के लिए लागू होता है क्योंकि दुर्गा देवी ऐसा कार्य करती है। क्या करती है, थोड़ा सा माँ के रोल को समझने का प्रयास करते हैं। माँ क्या कार्य करती है, पहली बात, पुरुष स्त्री का संग होता है तो स्त्री के गर्भ में पुरुष का वीर्य आता है, जिससे कि उसके गर्भ में किसी शिशु का जन्म होता है, वो उसका शरीर बनता है। 9 महीनों तक वो शरीर अंदर रहता है, कहाँ पर रहता है, स्त्री के गर्भ में रहता है, उसके बाद में वो गर्भ से बाहर आता है। उसी प्रकार दुर्गा देवी एक प्रकार से इस पूरे जगत की माँ है। ये पूरा जो जगत है वो दुर्गा देवी का गर्भ के समान है। तो यहाँ पर जितने भी जीव हैं उनका जन्म इस गर्भ के अंदर होता है। कैसे होता है, हम आगे एक श्लोक को देखेंगे उससे समझेंगे, परंतु अभी आप ये समझिए कि पूरा जो जगत है वो दुर्गा देवी का गर्भ के समान है, और इसके अंदर अलग अलग जीव जन्म लेते हैं, उनको शरीर प्राप्त होता है, वो अपने गर्भ में इन सभी प्राणियों को रखती है, इसलिए वो माँ है। हमें ये जो भौतिक शरीर मिला है, ये आवरण जो मिला है, वो किसी प्रकार का भी शरीर क्यों ना हो, वो एक पुरुष का हो, एक स्त्री का हो, कुत्ते का हो, बिल्ली का हो, शुकर का हो, शेर का हो, पेड़ का हो, पक्षी का हो, मछली का हो, वो शरीर प्रदान करने वाली माँ दुर्गा देवी है। जैसे कि गर्भ में बच्चे का शरीर बनता कैसे है, माँ के शरीर से ही तो उसको पोषण जाता है ना। आपने इसके बारे में पढ़ा होगा या सुना होगा कि एक नाल होती है जो बच्चे की नाभि से माँ को कनेक्ट करती है इंटरनली। जब बच्चे का जन्म होता है तो उस नाल को काट दिया जाता है ना, नाभि से वो कनेक्ट होती है, तो उस नाल से ही बच्चे को सारा पोषण प्राप्त होता है। माँ जो खाती है, उसे जो खून बनता है, उसमें जो पोषण की चीजें होती हैं, उस नाल के द्वारा उस बच्चे के शरीर में जाती है, उसका पोषण करती है। उसी प्रकार हम इस संसार में ये जो शरीर प्राप्त किए हैं, इसका पोषण जो होता है दुर्गा देवी के द्वारा होता है। वही ये 84 लाख योनियों में हर एक योनि को शरीर प्रदान करती है। इस प्रकार वो हमारी माँ है। लेकिन उस माँ को गर्भवती बनाता कौन है, माँ या स्त्री अपने आप गर्भवती नहीं हो सकती, एक पुरुष का संग करने पर ही गर्भ धारण होता है। वैसे दुर्गा देवी हालांकि हमारी माँ है, हमें भौतिक शरीर दिया, लेकिन इस शरीर के अंदर जो आत्मा है उसका बीज बोने वाले पिता कोई और है, वो दुर्गा देवी स्वयं नहीं करती है। तो वो कौन है, उस विषय में गीता में एक श्लोक आता है, 14वें अध्याय का ये 4वां श्लोक है, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्योनिर् अहम् बीज प्रदः पितः। कृष्ण कहते हैं कि जितनी भी योनियां हैं हे कुंती पुत्र, वो जन्म कैसे होता है, मैं बीज प्रदान करने वाला, अहम् बीज प्रदः पितः, और वो बीज मैं कहाँ पर डालता हूँ, मैं महद योनि में डालता हूँ। महद योनि क्या है, दुर्गा देवी या पार्वती देवी की योनि है, उसमें वो बीज डाला जाता है जो कि है जीव आत्मा, आध्यात्मिक आत्मा, चित्तकण, उसको इस गर्भ में डाला जाता है और वहाँ पर उसको अलग अलग शरीर प्राप्त होते हैं उसकी इच्छा और कर्म के अनुसार।
तो ये जो बीज प्रदान करने वाले पिता हैं ये कृष्ण है, लेकिन कृष्ण इसको किसके माध्यम से करते हैं, वो है शिव जी। ये विषय बहुत गहरा है, इसे शिव तत्व कहते हैं, शंभु तत्व कहते हैं। शिव और कृष्ण के बीच का संबंध समझना इतना आसान नहीं, लेकिन आज बस इतना ही कहेंगे कि कृष्ण जो बीज प्रदान करते हैं दुर्गा के गर्भ में, दृष्टिपात करते हैं, वो दृष्टि का जो कनेक्शन है वो है शंभु या शिव, शिव और पार्वती, है ना। तो शिव और पार्वती, शिव के द्वारा ये बीज प्रदान होता है पार्वती को या दुर्गा को, और उससे सारे भौतिक संसार में जीवों की उत्पत्ति होती है। दुर्गा देवी हमारी उस प्रकार से माँ है क्योंकि भौतिक शरीर उनसे प्राप्त हुआ, लेकिन पिता कृष्ण है क्योंकि आत्मा कृष्ण से आती है। कृष्ण गीता में कहते हैं ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ममई वांशो, ये जितने भी जीव हैं वो मेरे अंश हैं, मेरे पार्ट एंड पार्सल हैं। थोड़ा सा साइड ट्रैक जाऊंगा, लेकिन फिर भी इम्पॉर्टेंट बात है इसलिए कहना जरूरी है। हमें जन्म देने वाले माता पिता दोनों होते हैं, परंतु चूंकि हम माँ के गर्भ में रहते हैं, 9 महीना वो हमें पालती है, गर्भ में रखती है, फिर आगे जब जन्म भी हो जाता है वही पोषण देती है, सब कुछ करती है, तो माँ के प्रति हमारा झुकाव हमेशा ज्यादा होता है। उसी प्रकार चूंकि हमें भौतिक शरीर दुर्गा से मिला है, इसलिए अधिकांश लोगों को दुर्गा के प्रति आसक्ति ज्यादा होती है, कृष्ण के प्रति आसक्ति कम होती है। इसलिए शक्ति की उपासना करने वाले आपको संसार में अधिक मिलेंगे, लेकिन शक्ति के पीछे जो शक्तिमान है उसकी उपासना करने वाले इतने नहीं मिलते हैं। हमारा भौतिक आकर्षण इतना गहरा क्यों है? क्योंकि भौतिक शरीर हमें भौतिक शक्ति देवी दुर्गा देवी से प्राप्त हुआ है, इसलिए भौतिक आकर्षण बहुत गहरा है, बहुत स्ट्रांग है। इस आकर्षण से कैसे निकला जाएगा ये एक अलग विषय है, लेकिन हम जब ये जान लेंगे कि ये जो शरीर मिला उसके पीछे मेन जो कॉज कारण है वो तो कृष्ण है, क्योंकि वो यदि बीज नहीं प्रदान करते तो ये शरीर नहीं होता, तो हम फिर कृष्ण के प्रति या पिता के प्रति आध्यात्मिक हमें जगत में निवास देने वाले या वास देने वाले परम पुरुषोत्तम भगवान के प्रति आकर्षित हो सकते हैं। तो कृष्ण इतना गीता में कहकर फिर हमें शरीर प्राप्त हो, वो शरीर बनता किससे है, गीता में ये भी बताया है। 7वां अध्याय का 4वां श्लोक है जिसमें ये बताया गया है कि भगवान की ये भिन्न शक्ति है, दुर्गा भिन्न शक्ति है। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इतिमें भिन्न प्रकृति रष्टथा। ये जो शरीर हमें मिलता है दुर्गा देवी से, ये 8 पदार्थों से बना होता है, भूमि आपह नलो वायु खम मन बुद्धि अहंकार, 5 पंच महाभूत भौतिक तत्व हो गए, अग्नि जल वायु आकाश और भूमि, और 3 सूक्ष्म तत्व हो गए मन बुद्धि अहंकार। इन 8 चीजों से बनकर ये सारा का सारा हमारा शरीर बनता है, जितने भी प्रकार के शरीर हो, कितनी भी योनियां हो, स्पीसीज हो, उसमें भी अलग अलग रूप रंग हो, सब कुछ दुर्गा देवी इसके द्वारा बनाती है। तो ये इससे हमें पता चलता है कि दुर्गा देवी का इस धाम पर कितना ज्यादा कंट्रोल है, किस प्रकार वो हमारी माँ है। अगली बात जो हम बताना चाहेंगे उनके आइडेंटिटी के बारे में, वो ये है कि दुर्गा देवी इस संसार में क्या कार्य करती है, वो इस संसार में जेल वार्डन का कार्य करती है, जेलर का कार्य करती है। क्यों? देखिए, कृष्ण ने भौतिक सृष्टि की एक कारण से, वो कारण क्या था, वो कारण था यहाँ पर उन लोगों को भेजा जाता है जो भगवान के नियमों का पालन नहीं करना चाहते, भगवान से स्वतंत्र रहना चाहते हैं, एक प्रकार से वो क्रिमिनल मेंटालिटी के लोग हैं, है ना। थोड़ा सा सुनने में अच्छा नहीं लगता कि हम क्रिमिनल्स हैं, लेकिन हाँ शास्त्र कहता है, और समझना मुश्किल नहीं क्योंकि हम कोई भी ईमानदार व्यक्ति अपने हृदय में झांक कर देखेगा तो उसको बुराइयां दिखेंगी, है ना, उसको काम क्रोध लोभ इत्यादि इत्यादि अवगुण दिखेंगे, तो वो जान सकता है कि गलत कार्य करने की भावना हमें होती है। तो भगवान कृष्ण इस संसार को एक कारागार के तहत बनाए हैं, और उस कारागार में जेलर तो चाहिए, सुपरिंटेंडेंट,
तो वो दुर्गा है। वो कैसे अपना कार्य करती है, इसको हम इस पूरे एनालॉजी को अच्छे से समझते हैं। जैसे ये, अगर ये संसार जेल है तो दुर्गा देवी का कार्य क्या है, इत्यादि इत्यादि। तो फर्स्ट चीज, दुर्ग शब्द से दुर्गा शब्द आता है। दुर्ग संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ होता है किला, फोर्ट। किला पहले के समय में लोग क्यों बनाते थे? किला इसलिए बनाते थे ताकि जो शत्रु है वो हमला ना कर सके, है ना। किला क्या होता था, जो राज्य है उसके चारों तरफ बहुत ऊंची ऊंची दीवारें होती थी, और फिर उस ऊंची दीवारों के ऊपर में सैनिक तैनात होते थे, धनुष बाण लेकर, भाले लेकर, तलवार लेकर पहरेदारी देते थे, है ना। जैसे जैसे समय बीतता गया, तोप बनने लगी, तो फिर तोप भी होने लगी ऊंची ऊंचे स्थानों पर। और फिर उस किले के चारों तरफ क्या रहता था, उस किले के चारों तरफ एक नाला रहता था। इंग्लिश में उसको मोट कहते हैं, हिंदी में हमको पता नहीं क्या कहते हैं। बहुत बड़ा नाला होता था, उसमें ऐसे जलचर होते थे जो एक मनुष्य को खा लेते थे, जैसे कि घड़ियाल होते थे, मगर होते थे, है ना। इस प्रकार से उस तालाब को पार करना आसान नहीं होता था। और गेट्स होते थे, बड़े बड़े ब्रिजेस होते थे, उन ब्रिजेस को अंदर ले लिया जाता था, तो वो बहुत ही दुर्गम होता था, इसलिए उसे दुर्ग कहते थे। शत्रु आसानी से घुस नहीं पाता था, तो राजा अपने राज्य में सुरक्षित रहता था। तो जैसे दुर्ग से, दुर्ग में घुसना मुश्किल है, वैसे दुर्ग से निकलना भी मुश्किल है, दोनों ही। तो इस संसार को दुर्ग कहा गया है, एक दुर्ग के समान है, दुर्गम है निकलना और घुसना। तो इस संसार की तुलना कृष्ण एक जेल से करते हैं, कारागार से करते हैं, और यहाँ पर जो निवासी हैं वो सब कैदी हैं। वो अच्छे कैदी हों या बुरे कैदी हों, सब कैदी हैं। इन कैदियों के विषय में कृष्ण गीता के 16वें अध्याय में बहुत विस्तार से समझाए हैं। गुड प्रिजनर्स, बैड प्रिजनर्स, बट बोथ आर प्रिजनर्स, है ना, उसके विषय में बताया है। और ये जो भौतिक शरीर है, ये हमारी प्रिजन ड्रेस है, ये हमारी वर्दी है ना, जेल में वर्दी, ड्रेस हमें मिलती है ये, ठीक है। अलग अलग प्रकार की ड्रेस, अलग अलग जुर्म करने वाले व्यक्ति को जैसे अलग अलग प्रकार की ड्रेस मिलती है, किसी को सफेद मिलेगी, किसी को पीली मिलेगी, किसी में किसी प्रकार का डिजाइन रहेगा, किसी में किसी प्रकार का डिजाइन रहेगा। ये ए कैटेगरी का कैदी है, बी कैटेगरी का, सी कैटेगरी का, वैसे हमें अलग अलग प्रकार का शरीर मिलता है। और दुर्ग को कंट्रोल करने वाली कौन है, वो है दुर्गा, जो जेलर के समान है, जो यहाँ पर निगरानी रखती है कि कैदी सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। उन्होंने नियम तोड़ा तो दंड मिलेगा, नियम पालन किया तो उनको कुछ इनाम मिलेगा। और वो दुर्गा, जैसे कि एक जेल में कोई कुछ गलती करता है उसे दंड मिलता है ना, पनिशमेंट मिलती है, वैसे दुर्गा देवी इस संसार में हमें दंड देती है, ताप देती है, तीन ताप। तीन ताप कौन से हैं? ये तीन ताप हैं आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश और आदि दैविक क्लेश। आध्यात्मिक क्लेश क्या है? वो क्लेश, वो कष्ट जो हमें अपने शरीर और अपने मन से मिलता है। हमारा शरीर हमें कष्ट देता है, उसमें बीमारी आ जाती है, हमारा मन भी हमें कष्ट देता है, इतनी प्रकार की चिंताएं होती हैं जिससे दुख पहुंचता है। फिर आदि भौतिक क्लेश, वो क्लेश जो हमें दूसरों से मिलता है, दूसरे जीव जंतु से मिलता है, मच्छर ने काट लिया, खटमल ने काट लिया, सांप ने डस लिया, कुत्ते ने काट लिया, और अन्य मनुष्यों ने हमें दुख दे दिया, चोरी कर ली, डाका लग गया, किसी ने खून कर दिया, इत्यादि इत्यादि। तीसरा प्रकार का ताप क्या? आदि दैविक, नेचर, प्रकृति हमें कष्ट देती है। बहुत ज्यादा ठंडी हो गई, बहुत ज्यादा गर्मी हो गई, बारिश आई ही नहीं, बहुत ज्यादा वर्षा हो गई, पानी भर गया, सब कुछ डूब गया, या फिर बर्फ बहुत ज्यादा गिर गई, इस प्रकार हमें भूकंप आ गया, वॉल्केनो इरप्शन हो गया, कितना कुछ होता है, साइक्लोन, टॉर्नेडो। तो ये प्रकृति के द्वारा हमको ताप है। ये तीन ताप दुर्गा देवी के त्रिशूल में जो तीन शूल होते हैं जिससे वो वध करती है ना, असुरों का वध करती है, इसमें तीन शूल होते हैं। तो वो तीन शूल जो है वो इन तीन ताप को रिप्रेजेंट करते हैं, और इस त्रिशूल से वो हर एक जीव को एक प्रकार से कष्ट देती रहती है, दंड देती रहती है, दंड देती रहती है, दंड देती रहती है। तो अब इतना जानने के बाद हमें थोड़ा सा प्रश्न तो उठेगा ही कि
कि देखो एक जगह आपने बताया दुर्गा माँ समान है, दूसरा जगह आप बता रहे हो कि दुर्गा जेलर के समान है, हमें दंड देती है। तो दुर्गा सही है या गलत है? इस दुर्गा गुड और दुर्गा बैड? हाँ, ऐसा तो लगता है कि दुर्गा माँ नहीं, वो तो बहुत ही क्रूर व्यक्ति है, हमें दंड देती है, जितने भी कष्ट हमें मिलते हैं उनके द्वारा ही मिलते हैं। तो कैसे, क्या उनकी वास्तविक पहचान है? व्हाई श्री क्रूअल टू अस, क्यों हमें वो दंड देती है ऐसे? तो इसको हम समझेंगे कैसे? शास्त्रों के द्वारा ही समझ पाएंगे, अपनी बुद्धि लगाकर नहीं समझ पाएंगे। शास्त्र में बताया गया है कि दुर्गा देवी को भगवान कृष्ण ने कार्य सौंपा है, विशेष कार्य। वो कार्य क्या है? हमारे जीवन में जो बिगड़े हुए जीव हैं उनके जीवन में सुधार लाना, उनको रिफॉर्म करना। जैसे कि एक जेलर के का यह है कर्तव्य होता है, कार्य होता है कि वो जो कैद खाने में कैदी हैं उनको रिफॉर्म कर सके, राइट, उनको सुधार सके, जिससे कि वो देश के समाज के अच्छे नागरिक बन सके, है ना? जैसे ये उसका पर्पस है, उसी के लिए उसको सरकार ने नियोजित किया है कि भाई आप इस स्थान पर रहिए, आपको तनख्वाह मिलेगी, आपको मेंटेनेंस मिलेगा। वैसे भगवान श्री कृष्ण दुर्गा देवी को इस संसार में जेलर की जो जॉब है वो देते हैं, है ना, कि आप ये जॉब कीजिए और अच्छे से कीजिए, जिससे कि जो जो लोग यहाँ पर आए हैं वो सुधर सके और वो पुनः मेरे धाम में, जैसे एक अच्छा नागरिक जेल से बाहर निकलता है तो कहाँ जाता है? उस देश में जाता है, उस राज्य में जाता है, वहां रहता है, वैसे वो पुनः मेरे धाम में आ सके, है ना? ये जेल जिसके बारे में बात कर रहे हैं कहाँ है? श्रील प्रभुपाद जी एक सुंदर सा एग्जाम्पल देते, वो कहते देखो कोई शहर में, जैसे दिल्ली का उदाहरण ले लीजिए, दिल्ली में किसी ने जुर्म किया तो उसको जेल में डालेंगे, वो जेल कहाँ होगा? दिल्ली के अंदर ही होगा। भारत में किसी ने जुर्म किया तो उसको जेल में डालेंगे, वो जेल कहाँ होगा? भारत के अंदर ही होगा, भारत के बाहर तो नहीं होगा। भारत के अंदर ही किसी स्थान में हमने उसको जेल बना दिया। वैसे कृष्ण की ये जितनी भी पूरी सृष्टि है, आध्यात्मिक भौतिक जितना भी आप समझ लो, भौतिक जगत जो जेल के समान है, वो कृष्ण के आध्यात्मिक जगत के अंदर ही है, उससे बाहर नहीं है। जैसे कि जेल राज्य के अंदर होता है, तो जब व्यक्ति जेल से निकल जाता है तो वो राज्य के अंदर ही है, परंतु जेल से निकल के अच्छे नागरिक के रूप में राज्य में प्रवेश कर लेता है। वैसे ही भौतिक जगत से जब जीव निकल जाता है तो एक भगवान का अच्छा भक्त बनकर भगवान के पास वापस उनके धाम में अच्छे भक्त के रूप में निवास करने लगता है। तो इस जॉब के लिए कृष्ण ने दुर्गा को रखा है, इसलिए दुर्गा देवी जो कार्य करती है वो एक प्रकार से प्रोजेक्ट कहते हैं बहुत ही थैंकलेस टास्क है। थैंकलेस टास्क क्यों है? क्योंकि दंड देना का जो काम है उसको कोई सराहता नहीं, हालांकि दंड हमारे लिए बहुत जरूरी है, परंतु दंड देने वाला को कोई पसंद नहीं करता। जैसे कि पुलिस, पुलिस को कोई पसंद नहीं करता, है ना, उस विशेषकर जिसने जुर्म किया वो तो पुलिस को पसंद करता ही नहीं, लेकिन पुलिस अपना काम करती है, थैंकलेस टास्क करती है ना, जो जुर्म करता है उसको पकड़ती है, उसे दंड देती है, उसको सुधारती है ताकि वो अच्छा नागरिक बन सके। वैसे दुर्गा देवी बुरी नहीं है, दुर्गा देवी वही कार्य कर रही है जो उनको सौंपा गया है भगवान के द्वारा, है ना, कि आप इस प्रकार इन जीवात्माओं को जो भटके हुए हैं, नियम को तोड़ते हैं, उनको सुधारो। कैसे सुधारना है? उनको दंड दो, उचित दंड दो, है ना, तो दंड के द्वारा सुधर जाएंगे, बात मानने लगेंगे, और नहीं मानेंगे तो और अधिक दंड मिलेगा। तो जब जब जीव दुर्गा की इस निगरानी में भगवान के नियमों का पालन करना प्रारंभ कर देता है तो दुर्गा देवी उसके ऊपर में अपने त्रिशूल को चलाना कम कर देती है। इसलिए कोई भक्ति को स्वीकार करता है तो अपने आप उसके जीवन में जो क्लेश है वो कम हो जाते हैं। ये भगवान की शुद्ध भक्ति का एक लक्षण है, क्लेशाग्नि भक्ति क्लेशों को कम करता है। क्यों? क्योंकि अब वो व्यक्ति भगवान के नियमों का पालन करने लगा, वो अच्छा नागरिक बन गया। जैसे जेल के अंदर कोई कैदी पहले बहुत बड़ा क्राइम किया हो लेकिन जेल में आके वो एकदम सज्जन व्यक्ति बन जाए तो फिर उसको इतना दंड नहीं मिलेगा, सब लोग समझ लेंगे कि ये सुधर गया है ना, बदल गया, अब इसको हम दंड नहीं देंगे, अच्छे से व्यवहार करेंगे, अच्छे से खाने को मिलेगा, रहने को मिलेगा, उससे मेहनत भी ज्यादा नहीं करवाई जाएगी और उसका जो समय है, समझ लो 15 साल की कैद थी उसको 5 साल कर दिया जाएगा, है
है ना। वैसे ही हम इस संसार में भी यदि भगवान के नियमों का पालन करने लगे तो दुर्गा देवी अपने कंट्रोल को हमारे ऊपर थोड़ा सा ढीला कर देती है, हमें कम क्लेश पहुंचता है, कम कष्ट होता है, क्योंकि वो प्रसन्न हो जाती है कि अब हम भगवान के नियमों का पालन करने लगे हैं। उसे खुशी होती है कि मेरे निगरानी में, मैं जेलर हूं, मेरे निगरानी में ये कैदी बदल गया, सुधर गया। जेलर को अच्छा लगेगा ना, जैसे टीचर को अच्छा लगता है जब स्टूडेंट बुरे स्टूडेंट से अच्छा स्टूडेंट बन जाता है, माता पिता को अच्छा लगता है जब एक नालायक बच्चा अच्छा बन जाता है, वैसे जेलर को क्या अच्छा लगता है जब एक बुरा कैदी अच्छा व्यक्ति बन जाता है, तो उसका काम पूरा हो गया है ना, उसने अपना जॉब अच्छे से कर दिया, अब उसके स्वामी उससे संतुष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए दुर्गा देवी बुरी नहीं है, कष्ट देती है, उसका कंट्रोल उनके हाथ में है, लेकिन वो हमारे सुधार के लिए ऐसा करती है। भगवान से उनका क्या संबंध है अब, क्या वो स्वतंत्र रूप से ऐसा कार्य करती हैं? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए कि दुर्गा देवी इज इंडिपेंडेंट, दुर्गा देवी इंडिपेंडेंट नहीं है, वो कृष्णा के मार्गदर्शन में ऐसा सब कुछ करती है। गीता में कृष्ण कहते हैं, मयाध्यक्षेन प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते, कि मयाध्यक्षेन प्रकृति ही, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति सारा कार्य करती है, मेरी अध्यक्षता में, है ना, अपने आप नहीं करती, मेरी अध्यक्षता में सारा कार्य करती है। मयाध्यक्षेन प्रकृति ही सूयते सचराचरम। तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी दुर्गा देवी को कृष्ण से कैसे वो संबंधित है, वो एक श्लोक के द्वारा बताते हैं। वो कहते हैं दुर्गा देवी कृष्ण की छाया है, कृष्ण की छाया है। छाया से हम क्या समझेंगे? जैसे कोई व्यक्ति है, वो चलता है तो छाया उसके साथ चलती है, वो व्यक्ति अपना हाथ ऐसे हिलाएगा तो छाया भी वैसे हिल जाएगी, पैर एक तरह प्रकार से हिलाएगा तो छाया भी वैसे हिलेगी। छाया व्यक्ति से स्वतंत्र होकर कार्य नहीं कर सकती, है ना, व्यक्ति के कार्य के अनुसार ही छाया का कार्य होता है। तो वैसे ही कृष्ण जैसा चाहते हैं दुर्गा देवी कार्य करती है, स्वतंत्र नहीं हो सकती है, वो कृष्ण की छाया है, छाया शक्ति है। तो इसलिए ब्रह्मा जी इस श्लोक में कहते हैं दुर्गा देवी के विषय में, सृष्टि स्थिति प्रलय साधना शक्तिरेका छायेव भुवनानि विवर्ति दुर्गा। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्तिरेका, ये जो भगवान की एक शक्ति है वो क्या करती है? सृष्टि करती है, पालन करती है, अर्थात स्थिति, प्रलय विनाश भी करती है ना। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्तिरेका, ये कार्य करने के लिए भगवान की एक शक्ति है जो है दुर्गा देवी शक्ति। और वो कैसे भगवान से जुड़ी हुई है? छाएव, भगवान की छाया है। यस्य भुवनानि, भुवनानि बिभर्ति दुर्गा, उसका नाम क्या है? दुर्गा है। इच्छानुरूपम अपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। मैं उस भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, उनका भजन करता हूँ जो आदि पुरुष हैं, और उनकी इच्छा से ही सारा कार्य होता है। और दुर्गा देवी जो इस संसार में सृष्टि स्थिति और प्रलय आदि का कार्य करती है, वो उनकी छाया की तरह ही कार्य करती है। छायेव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा। दुर्गा स्वतंत्र नहीं, कृष्ण के अधीन है। कृष्ण कहेंगे ऐसा करो, दुर्गा देवी वैसा करेगी, कृष्ण कहेंगे वैसा करो तो दुर्गा देवी वैसा करेंगी। अब दुर्गा देवी के बारे में हमने जाना, वो भगवान की शक्ति है, छाया शक्ति है, भौतिक शक्ति है। इस संसार में, इस भौतिक जगत में भगवान ने उसको जेलर बनाया है, ये उनका एक थैंकलेस टास्क है। वो हमारी माँ भी है, जगत अम्बा है। साथ ही साथ दुर्गा देवी के विषय में शास्त्र में ये हमें पता चलता है श्रीमद् भागवत में कि वो भगवान की छोटी बहन के समान है। ये कैसे? तो ये बहुत सुंदर वर्णन आता है श्रीमद् भागवत में, कृष्ण लीला का वर्णन। कृष्ण लीला, कृष्ण जन्म के बारे में अवश्य सुना ही होगा कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में कंस के कारागार में, तो वसुदेव को भगवान कृष्ण ने कहा कि आप मुझे इस रात में वृंदावन ले चलो, गोकुल ले चलो, वहां नंद बाबा के घर पर मुझे छोड़ देना, है ना। तो वसुदेव अंधेरी रात को जाते हैं,
ऐसे तो वो कथा बहुत लंबी है, परंतु वो जाते हैं और नंद बाबा के घर पर पहुंचते हैं, तो वहां पर यशोदा माई ने एक कन्या को जन्म दिया था, एक पुत्री को जन्म दिया था। तो वसुदेव अपने पुत्र को वहां रखते हैं, उस कन्या को उठाते हैं और वापस ले आते हैं। तो जब वो जेल में पहुंचते हैं, कुछ ही समय बाद कंस के पास ये सूचना पहुंच जाती है कि देवकी को आठवीं संतान हो गई। अब वो आठवीं संतान कंस की मृत्यु का कारण होगा, ऐसा कंस को पहले पता चला था। तो कंस तुरंत वहां पर आता है और उस आठवीं संतान को देवकी से ले लेता है। तो देवकी कहती है, भैया भैया इसे छोड़ दो, ये तो कन्या है, पुत्री है, भविष्यवाणी तो ये हुई थी कि एक पुत्र मारेगा तुम्हें, लेकिन ये तो कन्या है, ये तुम्हारी हत्या नहीं करेगी, इसे छोड़ दो। तो कंस कहता है कि अरे ये भगवान बहुत बड़ा छलिया है, ये पुरुष के रूप में आ जाए, स्त्री के रूप में आ जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। तो कृष्ण वो कहते हैं कि मैं कोई चांस नहीं लूंगा, उस पुत्री को उठाते हैं, कन्या को उठाते हैं और उसको मारने के लिए जमीन पर फेंकते हैं, जैसा कि उन्होंने देवकी के पहले 6 बच्चों को मारा था। तो जब ऐसा वो करते हैं तब क्या होता है, वो बालिका कंस के हाथ से निकलकर उड़ते हुए नीचे न जाकर ऊपर चली जाती है और एक बहुत ही विशाल रूप ले लेती है। कौन सा रूप? कंस की ही अधिष्ठात्री देवी का रूप। कंस देवी का उपासक था, दुर्गा की पूजा करता था, तो वही दुर्गा का रूप वो ले लेती है और कंस देखकर घबरा जाता है। तो फिर दुर्गा उस समय हंसती है और कंस से कहती है कि कंस हे मूर्ख, तुझे मारने वाले कहीं और जन्म ऑलरेडी ले चुका है, तुम्हारी हत्या होगी और तुम्हें मारने वाला जन्म ले चुका है, तुम बस अपने मृत्यु की अब प्रतीक्षा करो। तो ये जब वर्णन श्रीमद् भागवत में आता है, उस श्लोक में ये समझाया गया है कि ये जो देवी है ये भगवान कृष्ण की योग माया शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है, योग माया शक्ति, परंतु यही शक्ति इस भौतिक संसार में भगवान की भौतिक शक्ति के रूप में प्रकट होती है। तो श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि योग माया शक्ति अलग अलग स्थानों में अलग अलग नामों से पूजी जाती है। कलकत्ता में वो काली के रूप में आती है, बॉम्बे में मुंबा देव के रूप में आती है, उसी नाम से बॉम्बे का नाम फिर मुंबई पड़ गया है ना। वाराणसी में वो अन्नपूर्णा देवी के नाम से आती है, कटक में भद्रकाली नाम से, अहमदाबाद में भद्रा नाम से, और ऐसे उनके अनेक बहुत सारे नाम होते हैं। तो ये श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 4थे अध्याय के 13वें श्लोक में दिया गया है। भगवान की वो बहन है, छोटी बहन है, और वो इस प्रकार प्रकट होती है। तो अब हमने अच्छे से जान लिया कि दुर्गा देवी कौन है, अलग अलग तरीकों से उनको समझ लिया। वैसे तो और भी बहुत कुछ उनके बारे में जाना जा सकता है, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। अब हम नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे कि लोग दुर्गा देवी की उपासना क्यों करते हैं, Why people worship दुर्गा देवी। अधिकांश लोग दुर्गा देवी की उपासना करते हैं भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए। जैसे अभी नवरात्रि का व्रत था, तो अधिकांश लोगों ने क्यों किया? इसलिए किया कि धन मिलेगा, पुत्र मिलेगा, है ना, पत्नी मिलेगी, पति मिलेगा, घर मिलेगा, भौतिक सुख लाभ मिलेगा, धनम देही गृहम देही, है ना, सब कुछ उनको बस देहिम 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 उनको चाहिए चाहिए। तो दुर्गा की उपासना करते हैं, आप मुझे ये दो, मुझे वो दो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, इस भावना से वो दुर्गा की उपासना करते हैं, है ना, कि हमें बदले में कुछ चाहिए आपसे। लेकिन दुर्गा उससे प्रसन्न नहीं होती, क्योंकि दुर्गा से आप इस संसार के अंदर ही कुछ मांग रहे हो, तो वो किस प्रकार है कि जेलर से आप जेल के अंदर सुविधा अच्छी मांग रहे हो कि मुझे बहुत ठंडी लगती है रात को, आप मुझे ऐसे जेल में डाल दो जिसमें ठंड कम हो, है ना, मेरे पास में खाना अच्छा नहीं है, ब्रेकफास्ट अच्छा नहीं आता है, तो आप सुबह 2 डबल रोटी के जगह मुझे 6 डबल रोटी दे दो। तो जेलर तो दुखी हो जाएगा ना कि तू जेल में क्यों आया, तो यहाँ पर कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए आया, तो यहाँ से निकलने के लिए आया, सुधर जा, निकल जा, मेरा काम पूरा होगा, जेलर तो ये चाहता है। लेकिन अगर जेलर के पास में ऐसे लोग आए तो जेलर को कितना कष्ट होता होगा, ये मूर्खों को देखो, यहाँ पर इनको सुधारने का प्रयास हो रहा है और ये चाहते हैं कि हम जेल के अंदर ही कैसे सुखपूर्वक रहें। तो दुर्गा देवी को कोई अगर मांगता है कुछ इस संसार के अंदर का,
तो दुर्गा देवी प्रसन्न नहीं होती। लेकिन कोई अगर ये कहता है कि मैं आपसे इस संसार से बाहर निकलने की सहायता चाहता हूं, तब दुर्गा देवी बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है ना। कोई ये कहता है कि आप मुझे भगवान की भक्ति करने में सहायता कीजिए, तो दुर्गा देवी बहुत अत्यंत प्रसन्न होती है, क्योंकि वो देखती है कि मेरे स्वामी ने मुझे जो कार्य दिया था वही कार्य करना चाहता है, उसमें सहायता चाहता है, तो मैं अवश्य इसकी सहायता करूंगी। तो दुर्गा देवी की उपासना अधिकांश लोग इसी भावना से करते हैं। अब कोई कह सकता है नहीं नहीं हम तो बहुत निस्वार्थ भावना से दुर्गा देवी की भक्ति करते हैं, बचपन से करते आए हैं इसलिए तो करते हैं। कुछ कुछ भक्त भी इस कौन में आ जाते हैं, हरे कृष्ण जपने लगते हैं, दीक्षा ले लेते हैं, फिर भी दुर्गा देवी की उपासना करते हैं, नवरात्रे मनाते हैं। क्यों? उनसे पूछे आप ऐसा क्यों करते हो, बस करते आए हैं, निस्वार्थ भावना से करते हैं। इससे संबंधित एक छोटी सी आपको घटना सुनाना चाहता हूँ। श्रील प्रभुपाद जी एक बार दक्षिण भारत गए। दक्षिण भारत में शिव जी के उपासक बहुत हैं, तो वहां पर हमेशा ये दो कैटेगरी के लोगों के बीच में थोड़ा सा ना वाद विवाद चलता रहता है, विष्णु के उपासक वैष्णव और शिव के उपासक जिनको शैव कहते हैं, शैवाइट्स कहते हैं। तो प्रभुपाद जी जिस स्थान पर गए थे, जिस शहर पर गए थे, वहां पर शिव जी की उपासना बहुत होती थी। तो वहां पर एक व्यक्ति था, वो शिव का भक्त था, शिव जी की उपासना करता था। वो हर दिन प्रभुपाद जी के शिष्यों से मिलता था, तो प्रभुपाद जी के शिष्य लेक्चर में कहते थे देवताओं की उपासना मत करो, जो देवता की उपासना करते हैं वो मूर्ख होते हैं, अल्प बुद्धि वाले होते हैं, और देवता की उपासना करने के लिए जाते हैं भौतिक इच्छाओं के साथ में। तो इस व्यक्ति को दुख लग रहा था, ये इस्कॉन का भी सपोर्टर था लेकिन उसको ये बात अच्छी नहीं लगती थी। तो एक दिन जब प्रभुपाद जी वहां पर पहुंचे, इसने सोचा मैं इस संस्था के आचार्य से ही पूछता हूं कि सही क्या है गलत क्या है। तो वो प्रभुपाद जी से प्रश्न पूछा कि स्वामी जी देखिए शिव जी की उपासना करना गलत थोड़ी ना है, यदि कोई शिव जी की बहुत निस्वार्थ भावना से उपासना करता है, वो कुछ नहीं मांगता शिव जी से, बस भक्ति करता है, भगवान को भगवान से बहुत प्रेम करता है इसलिए उपासना करता है, इसमें गलत क्या है। तो प्रभुपाद जी समझ गए कि इसका भाव क्या है। तो प्रभुपाद जी उसको एक उदाहरण दिए, वो कहे देखो कि कोई व्यक्ति है, वो शहर में एक शराब खाने में जा रहा है, तो शराब खाने में क्यों जाएगा? तो उस व्यक्ति ने कहा शराब पीने के लिए। तो प्रभुपाद जी का नहीं, शराब खाने में घूमने भी तो जा सकता है ना। तो वो कहा नहीं नहीं स्वामी जी, घूमने क्यों जाएगा, पीने जाएगा ना। तो प्रभुपाद जी का वही तो मैं कह रहा हूँ कि शराब खाने में व्यक्ति शराब पीने को जाता है, अधिकांश लोग पीने के लिए जाते हैं, कोई इक्का दुक्का है कुछ और कार्य के लिए जाता होगा। वैसे ही शास्त्र में बताया गया है कि देवताओं की और देवियों की उपासना करने वाले अधिकांश लोग भौतिक इच्छाओं की पूर्ति से ही उपासना करते हैं, बहुत कम होते हैं जो निस्वार्थ भावना से बिना कोई इच्छा के भौतिक इच्छा की उपासना करते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी इस उदाहरण के द्वारा उसको समझाते, वो समझ जाते हैं कि स्वामी जी क्या कहना चाहते हैं, है ना। यहाँ पर हमें ये देखना चाहिए कि लोग उपासना क्यों करते हैं देवी की, क्यों उन्हें कुछ चाहिए, है ना। जैसे मैंने कहा धनम देहिम, भार्या देहिम, पुत्र देहिम, गृहम देहिम, कुछ चाहिए हमको, बहुत ही कुछ अच्छा चाहिए। तो गलत तरीके से उनकी उपासना की जा सकती है। वो कैसे? अभी ये अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए वो क्या करेंगे, वो देवी को बलि चढ़ाएंगे, है ना। ऐसे बहुत सारे देवी की मंदिरों में होता है, देवी को बलि चढ़ती है, पशु की बलि चढ़ती है, बकरों की। तो ये शास्त्र के अनुसार गलत है, इसको सही नहीं बताया गया, ये गलत है। इसका वर्णन शास्त्र में भी आता है, बहुत सारे ऐसे सच्ची घटनाएं हैं जो हुई हैं जिससे साबित होता है कि देवी ऐसा नहीं चाहती। मैं आपको एक एक श्रीमद् भागवतम की कथा का से वर्णन करता हूँ। श्रीमद् भागवत में कहानी आती है, कथा आती है जड़ भरत की। तो ये जड़ भरत भगवान के बहुत ऊंचे परम वैष्णव हैं, भक्त हैं, ये जड़ के समान थे, एकदम मूर्ख थे, तो कोई भी इनसे कुछ भी कार्य करवा लेता था। ऐसे मूर्ख नहीं थे लेकिन मूर्ख होने का नाटक करते थे जिससे कि संसार में माया से बचे रहे। तो एक बार ये अपने खेत में कुछ कार्य कर रहे थे, एकदम मूर्ख तो थे देखने में, पशु के जैसे थे, है ना, शरीर एकदम हट्टा कट्टा, बलवान थे एकदम, लेकिन अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करते थे कि मैं तो मूर्ख हूँ, मुझे बोलना भी नहीं आता, कुछ कार्य नहीं करने आता। उसी स्थान पर पास में ही कुछ देवी के उपासक
जो कि लुटेरे थे, गुंडे थे, वो देवी को बलि चढ़ाना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक व्यक्ति को पकड़ा, वो मनुष्य की है ना बलि देना चाहते थे, ठीक है, और उसको देवी के मंदिर में ले आए, माँ काली का विग्रह है खड़ा हुआ उसके सामने, वो उसको काटना चाहते हैं। अभी कोई भी पशु की बलि चढ़ती है या पशु जैसे मनुष्य की बलि चढ़ती है, तो उसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। अब किसी का भी बलि नहीं चढ़ा सकते हो, उसका शरीर पूर्ण होना चाहिए, शरीर में कोई दोष नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने देखा कि यार ये जो व्यक्ति को हम पकड़ के लाए हैं, इसकी एक उंगली कटी हुई है, तो ये सभी जो गुंडे थे, इसका जो मेन चीफ था, वो कहता है ये तो बलि अपूर्ण है, दोष है इसमें, इसको कैसे चढ़ाएंगे, काली हमसे रुष्ट हो जाएगी, जाओ अच्छा कोई बलि पकड़ कर लाओ। तो ये जो नौकर चाकर थे घबरा कर डर के मारे वहां से जाते हैं और आसपास खोजते हैं, अरे कोई मिल जाएगा, कोई मिल जाएगा, तो वहीं पास में खेत पे जड़ भरत दिख जाता है, हरिष्पुष्ट शरीर है, एकदम हट्टा कट्टा और दिखने में पशु जैसा है एकदम, है ना, भोला भाला सा। बोलते हैं हाँ ये पशु जैसा है, इसको ले चलते हैं। वो उसको लेकर आते हैं, लेकिन जड़ भरत तो भगवान के बहुत महान भक्त हैं, वो तो सोचते जो भी हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है, वो चलाए। जैसे जड़ भरत को वहां पर लेटाया, उनको स्नान कराया, लाल कुमकुन से उसका तिलक किया, और फिर उसके बाद में उसको माला पहनाएगी कि अब इसकी बलि चढ़ेगी, और उसको जब काटने के लिए वो व्यक्ति तैयार हुआ, अचानक से जो काली देवी का जो मूर्ति था उसमें से काली देवी बाहर प्रकट आई, है ना, अपनी मूर्ति को फोड़ते हुए बाहर प्रकट आई, और उसके हाथ में जो खड़क थे और बाकी जो सब कुछ अस्त्र थे, उस सभी से वो जितने भी वहां पर गुंडे थे उनके अस्त्र लेकर, अपने अस्त्र लेकर सबसे उनका वध कर दिया, उनके सिर काट दिया, यानी उनकी मुंडी ले ली, उसके खून को पी लिया। और उसके बाद में काली ने कहा कि देखो, भगवान कृष्ण के भक्त को यदि कोई परेशान करता है, सताता है, तो मुझे ये प्रसन्न नहीं है, है ना, भगवान कृष्ण के भक्त मुझे भी बहुत प्रिय है, क्योंकि वो कृष्ण को प्रिय है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पशु बलि हो या नर बलि हो, इसको शास्त्र सही नहीं कहता है। तो ये बहुत ही गलत तरीका है देवी की उपासना करने का। यदि कोई देवी की उपासना करता भी है, तो उसे सात्विक रूप से करनी चाहिए, ऐसे तामसिक और राजसिक रूप से नहीं करना चाहिए। ये बहुत गलत बताया गया है। और सात्विक रूप से भी करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, वो सही तरीका क्या है, उसको भी हम जानेंगे। इसका भी वर्णन हुआ है श्रीमद् भागवत में, ये वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण की बहुत ही प्रिय जो सेविकाएं हैं, जिन्हें वृंदावन की गोपी कहते हैं, वो भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए कात्यायनी देवी का व्रत किए थे, उनकी उपासना किए थे। ये कब हुई थी उपासना, जैसे कार्तिक महीना पूरा हो जाएगा उसके बाद में जो अगला महीना आता है, उस महीने में बहुत ठंड होती है, उसमें उन्होंने कात्यायनी देवी की उपासना की। कात्यायनी दुर्गा ही है, लेकिन किस भावना से उपासना की, कि हमें कृष्ण प्राप्त हो, हम कृष्ण की भक्ति करना चाहते हैं, कृष्ण का प्रेम चाहते हैं, तो आप हमारी इस इच्छा को पूरी कीजिए, आप हर एक स्त्री को अच्छा वर देती हो, तो हम कृष्ण को वर के रूप में चाहते हैं, आपका आशीर्वाद चाहिए। तो शिरोपा जी कहते थे कि एक भगवान के भक्त को देवी और देवता की उपासना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, चाहे पहले उसने किया क्यों ना हो, लेकिन उसे ये नहीं डर रखना चाहिए कि हम पहले उपासना करते थे, अब नहीं करेंगे तो देवी रुष्ट हो जाएगी, देवता रुष्ट हो जाएंगे, हमें दंड देंगे, हमारा घर परिवार धन दौलत सब कुछ छीन लेंगे, उनकी कृपा से सब कुछ मिला था तो अब वो हमें परेशान करेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो एक अनन्य भक्त को तो देवी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए, और यदि वो करता भी है तो विधिपूर्वक, किस ज्ञान के साथ, कि ये सब भगवान के सेवक हैं, भगवान की भक्ति करने से इनको परम संतुष्टि होती है, प्रसन्नता होती है, और हम भगवान के अंश समझ के ही, सेवक समझ के ही, प्रतिनिधि समझ के ही इनको सम्मान देते हैं और इनसे प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रेम जो है वो केवल कृष्ण से करते हैं, है ना। सम्मान तो सबका करना चाहिए, तो देवी देवताओं का भी करना चाहिए, लेकिन प्रेम जो है वो केवल कृष्ण से करते हैं और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए इन्हें सम्मान देते हैं। तो ये सही तरीका है भगवान के इन प्रतिनिधियों की उपासना करने का। तो आज के सेशन में हमने जाना कि दुर्गा देवी कौन है, विधि पूर्वक उपासना नहीं करने से क्या होता है,
विधि पूर्वक करने से कैसे किया जाता है, उससे लाभ क्या होता है, है ना। दुर्गा देवी की उपासना अधिकांश कौन लोग करते हैं और भक्तों को कैसे, यदि पहले तो करना नहीं चाहिए अगर वो अनन्य भक्ति के मार्ग को स्वीकार किए हैं, और यदि वो करते भी हैं तो किस भावना से करनी चाहिए। इस सेशन को यहीं समाप्त करेंगे। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें बाद में कमेंट बॉक्स पर लिखकर भेज सकते हैं। अभी भी यदि लिखना चाहे भेजना चाहे तो भेज सकते हैं, अन्यथा बाद में ऐसा कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।